ओके, वी विल कवर सम पास ओवर क्वेश्चंस, फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है? छोटी सी क्लास करेंगे, एटलीस्ट हम कोशिश करेंगे कि 25 मार्क वाले हमारे दो सवाल हो जाएं, दैट इज अबाउट एन आर्ट, ठीक है? स्टडी फिगर 4.1, अ पाई ग्राफ, जिसको आप पाई चार्ट बोलते हैं, शोइंग द परसेंटेज शेयर ऑफ पाकिस्तान्स टोटल फॉरेस्ट कवर बाय प्रोविंशियल एरिया, ठीक है? आपको क्या करना है, कंप्लीट द पाई ग्राफ इन 4.1 टू शो द परसेंटेज ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर फाउंड इन गिलगित बल्तिस्तान एंड सिंध, ठीक है? अच्छा भाई, आपने कंप्लीट करना है इसको। देखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कितना परसेंट है, 11% है। गिलगित बल्तिस्तान का जो की है वो आपके सामने मौजूद है। गिलगित बल्तिस्तान की क्या है, आपको इस तरीके का बनाना पड़ेगा, 11%। 80 तक तो ऑलरेडी फिल हुआ है, 11% कहाँ तक जाएगा, ये हो जाएगा आपका 80 में अगर आप 11 मिलाते हो तो क्या बनता है, 91। ये आपका बन जाएगा गिलगित बल्तिस्तान, आपने इसको यूं मार्क करना है, गिलगित बल्तिस्तान। समझ आ गई बात? आपको इंफॉर्मेशन कहाँ से यूज करनी है, यहाँ से। गिलगित बल्तिस्तान में कितना परसेंट फॉरेस्ट है, 11%, आपने 11 मार्क कर दिया। 80 के बाद 11 कितना होता है, 91, और वो जो रिमेनिंग हिस्सा रह जाएगा 9, वो क्या हो जाएगा आपका, सिंध। सिंध पे आपको बेटा कैसे मार्क करना है, सिंध के ऊपर आपको ये की मार्क करनी है, ठीक है? सो दिस विल बी आवर सिंध, ऐसे मार्क करना है और ऐसे, ठीक है भाई? ये आपका सिंध हो गया, कोई मसला, फ्री फंड के ये मार्क्स थे आपके, सही है? अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है, कंप्लीट कंप्लीट द पैसेज बिलो, आपको ये पैसेज बिलो कंप्लीट करना है, फॉर द अबाउट reasons फॉर द variations इन द परसेंटेज। आपको ये पैसेज कंप्लीट करना है, आपको वर्ड्स दिए हुए, ठीक है? ये रहा आपका पैसेज, ये रहा आपके वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट। केपीके हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेस्ट कवर इन पाकिस्तान बिकॉज द डैश इज मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग ट्रीज, ठीक है? डैश फिल करना है हमें। देर आर फ्यूअर ट्रीज इन पंजाब बिकॉज द लैंड इज नीडेड फॉर, ये तो सीधा सीधा लैंड किसमें इस्तेमाल हो जाता है, कल्टिवेशन, ठीक है? सम एरियाज मे हैव सफर्ड मोर फ्रॉम डैश देन अदर्स, डी फॉरेस्टेशन, ठीक है? अब ऊपर क्या लिखेंगे, बिकॉज द डैश इज मोर सुटेबल, बिकॉज बताएं भाई, बिकॉज द क्लाइमेट इज मोर सुटेबल फॉर ग्रोइंग ट्रीज। डज दैट मेक सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस? आपको वर्ड से फिल करना था। अगला सवाल, स्टेट थ्री फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। फॉरेस्ट के तीन फंक्शंस क्या है पाकिस्तान के अंदर, वुड सप्लाई, ठीक है? उसके बाद आप लिख देंगे नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है? यस, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। कोई से भी आपने, हाँ टूरिज्म भी लिख सकते हैं आप इसमें, कोई से भी आपने तीन इंपॉर्टेंस लिखनी है, तीन फंक्शंस लिखने, ठीक है? जब भी बेटा स्टेट का सवाल है, स्टेट का क्या सवाल का मतलब होता है, आपने कोई लंबी करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे पॉइंट लिखो, मार्क उठाओ, आगे जाओ। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिव फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन फॉरेस्ट। प्रोडक्टिव फॉरेस्ट आर नेचुरली ग्रोन, ठीक है? ये अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, विथ हाई ट्री डेंसिटी, विथ हाई ट्री डेंसिटी। और प्रोटेक्शन फॉरेस्ट के अंदर क्या होता है, grown by men and tree density is low। tree density का क्या मतलब होता है, tree density का मतलब होता है number of trees, ठीक है? tree density is low। ये clear हो गई बात, आगे आ जाए। study figure 4.2, a diagram showing how altitude affects vegetation type। मैंने आपको बताया था, याद है, different types of forest होते हैं, ठीक है? मैंने उनके कल आपको altitude भी याद करवाए थे, सही है? मैंने आपको बोला था different altitudes पे मिलते हैं। 1000 ये सी लेवल है, सी लेवल से लेकर 1000 मीटर्स तक हमें ये फॉरेस्ट मिलते हैं सारे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। 1000 से 4000 तक कॉनिफेरस, और मैंने आपको बताया था आपको स्नो में कौन से मिलते हैं, एल्पाइन फॉरेस्ट, ठीक है? एल्पाइन जो फॉरेस्ट होते हैं वो 4000 से 4500 मीटर तक होते हैं, जस्ट बिलो द स्नो लाइन, सही है? अब सवाल ये है, बोलता है फिगर 4.2 को स्टडी करो और ये बताओ, फिगर 4.2 को स्टडी करें एंड ये बताओ, यूजिंग योर ओन नॉलेज सजेस्ट हाउ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, किस तरीके से हाइट अफेक्ट करती है टाइप एंड अमाउंट ऑफ वेजिटेशन को पाकिस्तान के अंदर।
हमें ये समझाना है कि किस तरीके से हाइट की वजह से वेजिटेशन या टाइप ऑफ फॉरेस्ट में चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो आप पहला पॉइंट इसके अंदर ये डेवलप कर सकते हो कि एल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एक्सट्रीम नॉर्थ। ठीक है, दे आर फाउंड इन एक्सट्रीम नॉर्थ, और ये क्यों वहां पर हमें किस तरीके से वहां पर मिलते हैं आपने बताना है, हाइट किस तरह इंपैक्ट करती है। ठीक है, एल्पाइन फॉरेस्ट आर फाउंड इन एक्सट्रीम नॉर्थ जस्ट बिलो स्नो लाइन, जस्ट बिलो स्नो लाइन। तो आपने हाइट का तो बता दिया कि स्नो लाइन से 500 मीटर नीचे ये होते हैं। इंपैक्ट कैसे करती है ये लोकेशन, ये हाइट इन फॉरेस्ट के ऊपर कैसे इंपैक्ट करती है इनकी ग्रोथ के ऊपर? दे हैव अपवर्ड स्लोपिंग ब्रांचेस, ब्रांचेस टू ट्रैप टू ट्रैप मोर सनलाइट। समझ आ गई बात इनकी जो है ना, वो सही हो गई बात। इसी तरीके से आगे चलते हैं। अब आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे, एक और एग्जांपल आप दे सकते हैं किसकी, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ कॉनिफ़ेरस फॉरेस्ट, यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव्स। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ मैंग्रोव्स। ठीक है, मैंग्रोव्स हमें कहाँ मिलते हैं? मैंग्रोव्स आर फाउंड सी लेवल, एट ऑलमोस्ट सी लेवल के ऊपर आपको मैंग्रोव्स मिलते हैं। ठीक है, और ये कैसे इम्पेक्ट करता है उनकी टाइप के ऊपर? आप बोलेंगे दे हैव रूट्स विच फिल्टर आउट, दे हैव रूट्स विच फिल्टर आउट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सही है भाई, डज दैट मेक सेंस? आप ऐसा ही सवाल कॉनिफ्यूरस के बारे में भी लिख सकते थे। आप अपने आंसर में ये लिख सकते थे कि कॉनिफ्यूरस जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमें कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं? 1000 से 4500 मीटर तक। और ये कैसे हाइट इनकी ग्रोथ पे कैसे इम्पेक्ट करती है? ऐसे इम्पेक्ट करती है कि जो कॉनिफ्यूरस फॉरेस्ट होते हैं ये एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार। क्यों? क्योंकि देर इज अ लॉट ऑफ स्नो, इनकी ब्रांचेस कैसी होती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, ताकि स्नो इनकी ब्रांचेस के ऊपर स्नो जमा नहीं हो पाए। ठीक है, यू हैव टू राइट दैट एनी टू पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर 4 मार्क्स। एक्सप्लेन टू इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपको डिफॉरेस्टेशन के टू इफेक्ट्स बताने नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। यू शुड डेवलप योर आंसर। बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डिफॉरेस्टेशन का पहला नुकसान है लॉस ऑफ हैबिटेट नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर बताने। ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक हो गई बात। इसको डेवलप कैसे करेंगे? इसको डेवलप करने के लिए आप लिखेंगे दिस विल रिजल्ट, जब हैबिटेट ही नहीं बचेगा, दिस विल रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, दिस विल रिजल्ट इन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? उसके बाद आप दूसरी बात ये लिख सकते हैं, अगर आपकी डिफॉरेस्टेशन आप करेंगे तो उससे क्या होगी? सॉइल इरोजन। और अगर सॉइल इरोजन होगी तो नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर, अब आप इस पॉइंट को दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं। यूट्रोफिकेशन होगी, जिससे क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन की वजह से मजीद डेवलपमेंट करने के लिए किल्स मरीन लाइफ। सही है, और दूसरा क्या लिखेंगे? दूसरा आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं यूट्रोफिकेशन की, एक तो यूट्रोफिकेशन हो गया, दूसरा सॉइल चला जाएगा तो जमीन अपनी फर्टिलिटी, लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑन लैंड। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? सिंपल क्वेश्चन से स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम द नोट्स। लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारे 25 मार्क पूरे हो जाएंगे। आप लोग 30 सेकेंड्स लेके क्वेश्चन को रीड कर लें। प्लीज रीड द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन। वो आपको आपकी क्लास में समझा दूंगा। सही है, प्लीज रीड द क्वेश्चन। चलें अभी डिस्कस कर लेते, मसला नहीं है, अभी कर लेते, हो जाएगा, टेंशन नहीं। एक दफा क्वेश्चन रीड कर लें प्लीज। क्वेश्चन में आपको बोला गया है किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट कैन इनिशिएटिव्स ऑन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के ऊपर इनिशिएटिव्स
किस तरह किस किस हद तक, टू वॉट एक्सटेंड का मतलब होता है किस हद तक, कैन इनिशिएटिव्स ऑन फॉरेस्ट एनकरेज फर्दर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, यानी अगर हम फॉरेस्ट के ऊपर इनिशिएटिव्स करें तो वो किस तरीके से, किस हद तक फॉरेस्ट के ऊपर इनिशिएटिव्स करने का क्या मतलब है, नए जंगलात उगाना, इससे किस हद तक आपकी फॉरेस्ट्री सस्टेनेबल हो जाएगी। सही है। अब 6 मार्क का आंसर है, एक दरख्वास्त थी कि भाई आप दोबारा से लेवल समझा दें। देखें, टू व्हाट एक्सटेंट का जो मतलब होता है ना, इसका मैं आपको मतलब समझा रहा हूँ। टू व्हाट एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि आपने प्लस पॉइंट भी लिखना है और माइनस पॉइंट भी लिखना है। अगर आपने सिंपल पॉइंट लिखा, आपने क्या लिखा, ये अपने पास स्ट्रक्चर, अगर समझना है इसको ठीक तरीके से समझ लें, आई विल इरेज दैट अगेन। ठीक है, पहला आता है लेवल 1। ठीक है, पहला आपका आंसर आता है लेवल 1 के अंदर। लेवल 1 के अंदर 2 टीयर्स होते हैं। पहला टीयर 1 होता है और दूसरा टीयर 2 होता है। अगर आपने 1 पॉइंट लिखा है, कोई सा भी एक पॉइंट, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, यू विल गेट 1 मार्क। अगर आपने 2 और मोर पॉइंट्स लिखे हैं, 2 और मोर पॉइंट्स, ठीक है, यू विल गेट आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, यू विल गेट 2 मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, अब ये जो पॉइंट होंगे, ये दोनों पॉइंट इस लेवल के ऊपर, योर बोथ पॉइंट्स आर सिंपल, ये डेवलप पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, अब आ जाएं लेवल 2 के ऊपर। लेवल 2 के अंदर भी 2 टीयर्स होते हैं, एक होता है टीयर 1 और एक होता है टीयर 2। टीयर 1 क्या होता है, टीयर 1 के अंदर जो है, अगर आपने एक डेवलप पॉइंट लिखा है, इफ यू हैव रिटन 1 डेवलप्ड पॉइंट, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, अगर पॉजिटिव भी चल सकता है नेगेटिव भी चल सकता है, तो इस पे एग्जामिनर साहब आपको 3 मार्क्स देंगे। टीयर 2 क्या होता है, आपने 2 और मोर डेवलप्ड पॉइंट्स लिखे हैं, 2 और मोर डेवलप्ड पॉइंट्स। ठीक है, अब ये जो 2 और मोर डेवलप्ड पॉइंट्स होते हैं ना, रेफरिंग टू बोथ व्यूज, यानी एक पॉजिटिव भी होना चाहिए और एक नेगेटिव भी होना चाहिए, इस पे एग्जामिनर आपको 4 मार्क देंगे। ठीक है, और फिर आपका लास्ट लेवल होता है जिसको आप कहते हो लेवल 3। क्या कहते हो, लेवल 3। इसके अंदर भी 2 टीयर्स होते हैं। लेवल जिसको 4 मार्क तक मिल जाएंगे ना, जिसका ये लेवल कवर हो जाएगा, ये वाला लेवल, उसके बाद उसका आंसर जाता है लेवल 3 के ऊपर, उसमें या तो आपको 5 मार्क मिलेंगे या तो आपको 6 मार्क मिलेंगे। 5 मार्क उसको मिलते हैं जिसने या तो कॉन्क्लूजन लिखा हो या फिर कोई एग्जाम्पल दियो, और 6 मार्क पूरे किसको मिलते हैं, जिसने कॉन्क्लूजन भी होगा प्लस एग्जाम्पल बोथ। पैटर्न समझ आ गया, ये पैटर्न है 6 मार्क के आंसर का। ठीक है, ये रिवाइज करा दिया क्योंकि हमारा जो आंसर होता है वो इस पैटर्न के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, तो हम आपको ट्रेडिशनली प्रैक्टिस कराते हुए ये सिखाते हैं कि आप लोग कम से कम पॉजिटिव पॉइंट्स 2 लिखें डेवलप्ड, और पॉजिटिव पॉइंट्स 2 लिखें यानी कि डेवलप्ड पॉइंट्स 2 पॉजिटिव साइड पे, डेवलप पॉइंट्स 2 लिखें नेगेटिव साइड पे। हालांकि एक एक पॉइंट के अंदर भी आपको लेवल्स क्रॉस हो जाएंगे जो मैंने अभी डिस्कस किया ये सब। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, इसमें हमें बात क्या करनी है। ठीक है, ये देख लें, 6 मार्क का पहला फॉरेस्ट के चैप्टर का आपका क्वेश्चन होगा ये। क्या बात करनी है आपको, टू व्हाट एक्सटेंट कैन इनिशिएटिव्स ऑन फॉरेस्ट एनकरेज फर्दर, आप अपने फॉरेस्ट के लिए अगर नए नए प्रोग्राम्स बनाते हो तो उससे किस हद तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकेगी फॉरेस्ट की। ठीक है, तो हम लिखेंगे टू स्टार्ट विथ द गवर्नमेंट कैन लॉन्च, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, द गवर्नमेंट कैन लॉन्च ए फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स लाइक, एग्जाम्पल दे रहा हूं लाइक, इसको इन्वर्टेड कॉमास में आप डाल सकते हैं, लाइक रचना दोआब ए फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, लाइक रचना दोआब ए फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट, और एक और एग्जाम्पल हो सकती है, इमरान खान ने कौन सी स्टार्ट की थी, बिलियन ट्री सुनामी। ठीक है, इमरान खान ने ये स्टार्ट की थी। इसके अलावा कौन कौन सी हैं, रंग दो पाकिस्तान, ये वो, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, गवर्नमेंट कैन लॉन्च ए फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लाइक दिस, विच विल हेल्प टू ग्रो मोर ट्रीज
जिससे ज्यादा ट्रीज उगा सकते हैं आप, विच विल हेल्प टू ग्रो मोर ट्रीज ऑन डिफॉरेस्टेटेड एरियाज। समझ आ गई बात? समझ आई बात? अब आप दूसरा डेवलप पॉइंट लिखो, उसके अंदर क्या लिखोगे कि भाई प्राइवेट एनजीओस की भी आप मदद ले सकते हो, प्राइवेट एनजीओस लाइक आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम AKRSP कैन हेल्प कैन एड टू डेवलप फॉरेस्ट, ठीक है, या फिर और बैकयार्ड ट्री ग्रोथ इन प्लेसेस लाइक स्कर्दू, ठीक है, कहां पर, इन प्लेसेस लाइक स्कर्दू, ठीक है। ये कौन करेगा, ये कौन करेगा, ये सारा काम प्राइवेट इदारे करेंगे, इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा, दिस विल सेव कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट के लिए कॉस्ट बचाना क्यों जरूरी है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन नेशनल डेट, ठीक है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन नेशनल डेट। अब आप मसले मसाइल बता दो कि मसले मसाइल क्या है, क्या इन प्रोजेक्ट से सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है, सस्टेनेबल जहां भी हम ज्योग्राफी में इस्तेमाल करते हैं ना, उसका मतलब होता है ना सिर्फ आप उससे फायदा उठाएं बल्कि आपकी फ्यूचर जनरेशन भी। सस्टेनेबल इज अ टेक्निक इन एनी चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, जब भी सस्टेनेबल इस्तेमाल होता है, इट इज अ टेक्निक इम्प्लॉइंग मेथड्स विच नॉट ओनली अलाउ यू, विच नॉट ओनली अलाउ द प्रेजेंट जनरेशन टू टेक बेनिफिट फ्रॉम अ सर्टेन थिंग बट ऑल्सो कीप्स द रिसोर्स इंटैक्ट फॉर फ्यूचर जनरेशन। सही है, इसको कहते हैं सस्टेनेबल। कितने भी प्रोजेक्ट्स कर लो, आप फॉरेस्ट्री यहाँ पे सस्टेनेबल बना ही नहीं सकते। मैं आपको रीजन बताता हूँ, हाउएवर मैं लिखूंगा क्यों, देखिएगा जरा। हाउएवर पहला मसला बताए क्या, इन प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, फंडिंग, ठीक है, जो हमने बात कर ली थी, ठीक है। दूसरा क्या मसला है, दूसरा ये मसला है, हाउएवर फॉर सक्सेस ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स हमें क्या कम करना पड़ेगा, डिफॉरेस्टेशन विल हैव ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, विल हैव टू बी कर्टेल्ड, रोकनी पड़ेगी, ठीक है, विच माइट नॉट बी पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, इसके दो वजूहात लिखूंगा मैं, ठीक है, विच माइट नॉट बी पॉसिबल। पहला रीजन, बिकॉज ऑफ हमारी दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। और दूसरी वजह ये हो सकती है, एंड एक तो ये कि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, और दूसरा क्या है, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, और दूसरा ये मसला है, एंड वी कैन नॉट सप्लाई गैस टू नॉर्दर्न पाकिस्तान, और वहीं पर तो सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होती, लकड़ी काटते हैं फायरवुड के लिए। मुख्तलिफ पॉइंट्स और हो सकते हैं, सही है आप लोग, हाँ हमने दो दो डिस्कस कर लिए ना, एक तो मैंने फाइनेंशियल एड का मसला ऊपर पहले बता दिया, ठीक है, एग्जाम्पल ऊपर हो गए, रचना दो आप, ठीक है। सो अब तक मुझे 5 मार्क्स मिल चुके हैं, दिस इज माई एग्जाम्पल, ठीक है, ये मेरे डेवलप पॉइंट्स थे, 3 मैंने डेवलप पॉइंट्स लिखे हैं, टोटल 2 फेवर में 2 अगेंस्ट में। अब मैं अपना कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा, और कंक्लूजन में लिखूंगा, टू कंक्लूड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू इंश्योर दैट दीज प्रोजेक्ट्स विल हेल्प टू मेक फॉरेस्ट सस्टेनेबल, ठीक है, बिकॉज ऑफ अबव मेंशन्ड प्रॉब्लम्स, आपने जो ऊपर, एंड एक और क्या मसला है, एंड पॉलिटिकल इनकंसिस्टेंसीज, आज एक हुकूमत है कल दूसरी हुकूमत आ गई, ठीक है, इस वजह से आप अपने इन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। डज दैट मेक सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। तो ये आपने 6 मार्क के आंसर को इस तरीके से शेप करना होता
दिस इज हाउ यू कैन शेप अ सिक्स मार्कर क्वेश्चन। ठीक है, आप नेगेटिव पॉइंट में ये भी लिख सकते थे कि लोगों को समझाया जाना चाहिए कि भाई इस तरीके से कटिंग नहीं करो, बट पीपल ऐसी एजुकेशन लेने के लिए रेडी नहीं होते हैं। पीपल जाहिल हैं, वो ऐसी एजुकेशन लेने के लिए जो है ना वो रेडी नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा ऑलराइट, ये सवाल है। स्टेट टू रीजंस, दो रीजंस बताने आपने। से टू रीजंस व्हाई डिफॉरेस्टेशन हैज अकर्ड इन नॉर्दर्न माउंटेन्स। जी, नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर डिफॉरेस्टेशन क्यों की जा रही है? पहला, फायरवुड के लिए आप करते हो, ठीक है, फायरवुड या फ्यूल वुड के लिए। दूसरा, हाँ तो वही ना, फायरवुड या फ्यूल वुड। और दूसरा आप करते हो रिजॉर्ट्स बनाने के लिए, रिजॉर्ट्स की मेकिंग है या होटल्स की मेकिंग है। तीसरा, अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, लोग वहां पर स्टे करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तीन रीजंस हो सकते हैं आप लकड़ी वहां पे नॉर्दर्न एरिया के अंदर काटते हो। ठीक हो गई बात। अच्छा, इसके अलावा एक और भी रीजन है, कॉटेज इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर लकड़ी इस्तेमाल होती है, वुड प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, वुड प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो टूरिस्ट को बेचते हैं। ठीक है, ये दीज आर द रीजंस जिस वजह से नॉर्थ के अंदर हो रही है। ओके, सवाल ये है, एक्सप्लेन टू इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन नॉर्दर्न माउंटेन्स ऑन द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमने ये सवाल ऊपर डिस्कस कर लिया। ठीक है, सॉइल इरोजन हो जाती है, वैसे ही थिन लेयर होती है नॉर्थ पाकिस्तान में सॉइल की, वो भी चली जाएगी, रिवर्स पे इम्पैक्ट आएगा, यूट्रोफिकेशन होगी। ठीक है, टूरिज्म के लिए लोग मजीद आएंगे नहीं। ठीक है, ये सवाल अलग है, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। सवाल क्या बोलता है? सवाल आपको कहता है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन के असरात कम करने। ठीक है, वो ज्यादा पॉसिबल है कम करना नॉर्थ पाकिस्तान में। कहां पर? नॉर्थ पाकिस्तान के अंदर। रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज मोर अचीवेबल इन नॉर्थ पाकिस्तान, सही है, देन इन अदर एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ये एक स्टेटमेंट दिया है, जुमला दिया एग्जामिनर साहब ने। सवाल आपको क्या बोल रहा है? सवाल ये बोल रहा है, टू वॉट एक्सटेंट कैन द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन बी सॉल्व्ड। भाई सवाल आपसे ये कहता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स, नॉर्थ पाकिस्तान के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, उनको किस हद तक सॉल्व किया जा सकता है। तो आपने इसमें क्या लिखने, सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, जो हमने कल नोट्स में डिस्कस किया था। ठीक है, आप जो है ना वो लॉज बना सकते हो, आप सिलेक्टिव कटिंग के लोगों को तालीम दे सकते हो। ठीक है, आप नॉर्दर्न एरियाज के अंदर नेचुरल गैस की पाइपलाइन सप्लाई या सिलेंडर सप्लाई कर सकते हो, लेकिन मसले मसाइल क्या है, वहां के लोग नहीं सुनेंगे। कुछ ऐसे डिफॉरेस्टेशन के असरात होते हैं जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, हमेशा के लिए वो जमीन बंजर होके रह जाती है। तो इस सिक्स मार्क को इस तरीके से आंसर करना। फिर आप लिख सकते हो कि भाई जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रंग दो पाकिस्तान, ये सब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हाँ नहीं, दिस इज नॉट अ फोर मार्कर, दिस इज अ सिक्स मार्कर, ये रहा। ठीक है, दिस इज अ सिक्स मार्कर क्वेश्चन। टू व्हाट एक्सटेंट का सवाल हमेशा कितने मार्क्स में आएगा? हमेशा 6 मार्क के अंदर आता है। ठीक है, ऑलराइट, चलें जी, ये जरा सवाल देखें। डिस्क्राइब टू नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्या होते हैं? लेदरी लीव्स, फ्री फंड के 2 मार्क्स, और नॉबली नॉबली नेज रूट्स। ठीक है, सही है भाई, रूट्स इनकी ऐसी होती हैं। आगे आ जाएं, आप इनका साइज भी लिख सकते थे कि इतने लंबे होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। डिस्क्राइब टू फंक्शंस ऑफ फॉरेस्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस बतानी है। ठीक है, सजेस्ट 3 फिजिकल फैक्टर्स विच डिटरमाइन द टाइप एंड डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ,
नोट्स को गो थ्रू करने की सिग्निफिकेंस या क्या है, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपके साथ ये चीज शेयर करता हूँ ताकि आपको ये पता चले हमारे लिए कितनी ये बात इंपॉर्टेंट है कि हम नोट्स से गो थ्रू किए हुए हों। लेट मी शेयर इट। ओके ये रहा, मैंने कल एक बात कही थी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं कल आपको पासवर्ड के थ्रू करवाऊंगा। ये देखिएगा, आई सेड कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो पासवर्ड, डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेंसिटी एंड कितने लिखे हुए हैं। आप इनमें से कोई से भी कितने लिख देंगे, यू नीड टू राइट एनी क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आपसे मांगा हुआ है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन के अंदर आपको तीन मांगे हुए, सॉइल, ठीक है, एल्टीट्यूड, ठीक है, एनी थ्री आउट ऑफ दीस सिक्स। सवाल का मतलब क्या है? सवाल का मतलब ये है, रेनफॉल भी लिख सकते हैं, सवाल का मतलब ये है कि ऐसे नेचुरल फैक्टर्स बताएं जो आपके फॉरेस्ट की ग्रोथ और टाइप को इम्पेक्ट करते हो। तो हमने तीन नेचुरल फैक्टर लिख दिए, 3 मार्क्स। ओके ये देखिएगा जरा सवाल, आपको एक डायग्राम शो की गई है, किसकी बेटा? कॉनिफिरस ट्री की। अब अगर आपको याद हो कॉनिफिरस ट्री जो हमने कल डिस्कस किया था, हियर इट इज, ये हमारा कॉनिफिरस ट्री है, ठीक है? कॉनिकल इन शेप, स्लोपिंग ब्रांचेस, ये देखो जरा, स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं ताकि स्नो जमा नहीं हो, लीव्स ऐसे होते हैं ताकि ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं हो, ये सारी बातें आपने यहां पर लिखनी है, ठीक है? एक्सप्लेन हाउ दिस टाइप ऑफ ट्री हैज एडॉप्टेड। तो आप लिखोगे कि भाई इसके पास कौन सी ब्रांचेस होती है, स्लोपिंग ब्रांचेस। बेटा सवाल एक्सप्लेन का है, यू शुड डेवलप। स्लोपिंग ब्रांचेस से क्या होता है, प्रिवेंट्स स्नो अक्यूमुलेशन। डज दैट मेक सेंस? राइट फ्रॉम द नोट्स उठा के हमें लिखना है कि किस तरह कॉनिफिरस फॉरेस्ट सर्वाइव कर पाते हैं। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? इनमें से ये एवरग्रीन होते हैं, इसका मतलब लीफ फॉल कम होगा, ज्यादा लेस लीफ फॉल, ठीक है? डज दैट मेक सेंस? इनमें से लीफ फॉल कम होता है तो इसका एक नुकसान ये है कि ह्यूमस फॉर्मेशन कम होगी, लेकिन इसका एक फायदा क्या है कि ट्रीज को ये क्या रखता है, ट्रीज रिमेन एवर ग्रीन। गेटिंग माई पॉइंट? सो थिंग्स लाइक दैट यू कैन प्लेस दैट। स्टेट थ्री कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान, जस्ट टू इंश्योर यू गाइज के ये देख लें भाई, राइट फ्रॉम द नोट्स, डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज हमने बहुत सारे पढ़े थे, हमें कोई से भी तीन लिखने, ठीक है? क्या लिखेंगे? पाकिस्तान के अंदर डिफॉरेस्टेशन, जानवर खा जाते हैं, ओवरग्रेजिंग, ठीक है? उसके बाद आप क्या लिखेंगे? उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि मे बी यू नो फर्नीचर बनाने के लिए, राइट? और आप क्या लिख सकते हैं? अर्बनाइजेशन होती जा रही है, जमीन खाली करने जानी हमें, ठीक है? सो ऑन सो फोर्थ। तो आप काटते आ रहे हैं, काटते आ रहे हैं, काटते आ रहे हैं, आसरा ही नहीं कर रहे, ठीक है? ओके अब ये क्वेश्चंस रिपीट होना शुरू होंगे, ठीक है? ये इस तरीके के आपको मंजर मनाजिर दिखाए जाएंगे, क्वेश्चंस विल रिपीट, ठीक है? और अब ये रेपिटेशन स्टार्ट होगी, डिफॉरेस्टेशन के बारे में बताओ, यू कैन सी हियर, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है? इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन बताएं, ठीक है? द क्वेश्चंस आर गोना रिपीट इटसेल्फ। समझ में आई बात? दो इफेक्ट्स बताएं डिफॉरेस्टेशन के, एक मैं ये 6 मार्क वाला आपके साथ कर लेता हूँ, ठीक है? सवाल क्या है, आपको दो व्यूज दिए हुए, ये एक दफा देख लें प्लीज, दो व्यूज दिए हुए आपको, सही है? अराउंड 5% ऑफ द लैंड, 30 सेकेंड्स लेके आप ये व्यूज पढ़ लें दोनों। पहला व्यू क्या बोलता है? पहला व्यू आपको ये बोलता है, इंक्रीज्ड फॉरेस्ट कवर इज एन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ लैंड फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। हमें दिन ब दिन जंगलात बढ़ाने चाहिए और ज्यादा जंगलात उगाने चाहिए पाकिस्तान में, सही है? दूसरा व्यू बोलता है कि भाई जमीन के ऊपर जंगलात उगाने की बजाय
जंगलात उगाने की जगह आप क्या करो, ऑल्टरनेटिवली आप दूसरे काम कर लो। देर आर मोर इम्पोर्टेंट यूजेस ऑफ लैंड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। भाई एक बंदा है जो आपसे कह रहा है कि अगर आपको पाकिस्तान में फ्यूचर डेवलपमेंट चाहिए तो जंगल उगाओ, और दूसरा बंदा आपको कह रहा है अगर फ्यूचर डेवलपमेंट चाहिए ना तो दूसरे भी अच्छे अच्छे काम है जो आप अपनी जमीन के साथ कर सकते हो। बहस किस चीज के ऊपर है कि जमीन के साथ क्या करना चाहिए। एक बंदा आपसे कह रहा है कि जमीन के साथ आपको क्या करना चाहिए, जमीन के साथ बेस्ट इस्तेमाल ये है कि अगर चाहते हो कि पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो मुस्तकबिल के अंदर, फ्यूचर के अंदर, तो जंगलात उगाओ, उगा लो भाई। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है उस लैंड के ऊपर दूसरे यूजेस भी हैं। कौन से व्यू के साथ हमें जाना चाहिए। हम मेथड मैंने आपको ना दोनों का बता दिया है, मेथड आपको पता है। जिस व्यू के साथ आप जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फेवरिंग दिस, ठीक है, तो आपने दो पॉजिटिव पॉइंट लिखने होंगे। इफ यू आर गोइंग अगेंस्ट इट, आपने इसके बारे में दो दोनों दो पॉजिटिव ही आएंगे, दो नेगेटिव ही आएंगे। पॉइंट सिंपल होंगे या डेवलप्ड होंगे, डेवलप्ड होंगे, समझाए हुए होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट दिस, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप बोलेंगे कि इफ व्यू ए इज ऑप्टेड, अगर हम व्यू ए की तरफ जाते हैं, इफ व्यू ए इज ऑप्टेड, ठीक है, इट विल हेल्प टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर इन पाकिस्तान। इससे क्या होगा, इट विल हेल्प टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर इन पाकिस्तान, जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, विच विल अट्रैक्ट टूरिज्म, विच विल अट्रैक्ट टूरिज्म। जब टूरिज्म आएगा उसे क्या होगा, मोर टूरिज्म विल ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज, विल ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज। इस फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज के जरिए आप क्या कर सकते हो, विच कैन बी यूज्ड, विच कैन बी यूज इन फ्यूचर फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सही है, इस फंडिंग को आप फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, टू मेक फॉर एग्जाम्पल डैम्स, ठीक है, या टू बिल्ड रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आ गई बात, जंगल उगाने का पहला फायदा। दूसरा, जंगल उगाने का दूसरा पॉइंट पता है क्या है, मोर ओवर हमें बहुत सारी कंट्रीज इसके लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। मोर ओवर दिस इनिशिएटिव, अगर हम जंगलात उगाने की कोशिश करते हैं, दिस इनिशिएटिव विल गेट पाकिस्तान, पाकिस्तान को क्या मिलेगा जंगलात उगाने के लिए, विल गेट पाकिस्तान सपोर्ट, ठीक है। कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, फ्रॉम इंस्टीट्यूट्स या एनजीओज लाइक WFO और AKRSP, ठीक है, एंड दिस विल नॉट बी कॉस्टली फॉर गवर्नमेंट। प्लस इसका एक और भी फायदा होगा, क्या फायदा होगा, दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव आर रिलेशंस विद दोस कंट्रीज जो हमें हेल्प करेंगी, ठीक है, इम्प्रूव आर रिलेशंस, ठीक है, जिसके जरिए हमारा मजीद फर्दर फ्यूचर के अंदर ट्रेड बेटर हो सकता है, ठीक है। दिस विल ऑल्सो इम्प्रूव आर रिलेशंस विद हेल्पिंग कंट्रीज, ठीक है, जो हमारे हेल्पिंग हैंड्स बने हुए हैं, विच माइट बूस्ट ट्रेड इन फ्यूचर। समझ गए बात को, विच माइट बूस्ट ट्रेड इन फ्यूचर। अच्छा अब बात, मसला ये है, ठीक है, कि लैंड के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, और ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या क्या हैं, अगर आप अपने एरिया के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाओगे तो व्यू ए के साथ एक मसला है। वो क्या मसला है, वो मसला ये है, हाउ एवर लेस लैंड विल बी अवेलेबल फॉर, लेस लैंड विल बी अवेलेबल फॉर अदर यूजेस। आप इसी लैंड के ऊपर क्या कर सकते हो, लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है, विच इज इम्पॉर्टेंट। एग्रीकल्चर ग्रो करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, विच इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज ग्रोइंग डेली। सही है,
पॉपुलेशन इज एवर इंक्रीजिंग, तो उनको फूड सप्लाई भी देनी है। समझ में आ गई बात, कोई मसला? अच्छा, अब जो व्यू बी था ना, व्यू बी वो क्या बोल रहा है? व्यू बी बोल रहा है कि दूसरे इंपॉर्टेंट यूजेस भी हैं लैंड के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट हूँ। दूसरे दूसरे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यूजुअली क्या होते हैं, उसके अंदर यूजुअली आपको बहुत बड़े बड़े लोन्स की जरूरत पड़ती है। फॉरेस्ट वगैरह उगाने के लिए आपको इतने बड़े लोन्स की जरूरत नहीं करती है, ठीक है? व्यू बी इज प्रॉब्लमेटिक। व्यू बी के अंदर क्या मसले मसाइल हैं? व्यू बी इज प्रॉब्लमेटिक बिकॉज फॉर अदर यूजेस ऑफ लैंड। कोई ऐसा मुश्किल बताओ यूज ऑफ लैंड का, फॉर अदर यूजेस ऑफ लैंड लाइक, आप मिसाल के तौर पे आपने बोल दिया कि माइनिंग या थर्मल पावर स्टेशंस, यू विल नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी जो कि हमारी गवर्नमेंट अफोर्ड, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी नीडेड, ठीक है, जो कि हमारी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। समझ में आ गई बात? हेंस, अब आप अपना कॉन्क्लूजन दे दोगे, हेंस आई अग्री विथ, कौन से व्यू के साथ जा रहे हैं? आई अग्री विथ व्यू ए मोर एज इट्स प्रोज, इसके फायदे आउटवे, यानी ज्यादा भारी हैं, आउटवे द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोज ऑफ यू बी। सही है भाई, व्यू बी के मुकाबले ये ज्यादा सही है। समझ में आ गई? मैंने डेवलप पॉइंट्स लिखे, 4 मार्क्स उसके, कंक्लूजन दिया 5वां मार्क, और 6ठा मार्क मुझे एग्जाम्पल का मिलेगा। आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैंने कौन सी एग्जाम्पल दी थी? डज दैट मेक सेंस? ये 6 मार्क को लिखने का तरीका है। सही है, फॉरेस्ट के चैप्टर्स के पास पेपर्स हमारे हो गए। आई विल सेंड द फाइल, प्लीज इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, और बाकी बाकी के जो है ना, वो मैंने आपके साथ 4-5 क्वेश्चंस कर लिए, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी किया है, और हमने 3-6 मार्कर भी कर लिए। बाकी के क्वेश्चंस प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो, अव्वल तो होगी नहीं, साइड पे प्लीज नोट्स खुला रख के सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू डू दिस। सही है, मैं नोट्स आपके डाल दूंगा। लेट्स सी क्वेश्चन, चैट किसका मैसेज था? ठीक है, वी विल स्टॉप हियर। कल वी विल स्टार्ट विद, ऑनलाइन वाले बच्चों, वी विल स्टार्ट विद, हम किससे स्टार्ट करेंगे? वी विल स्टार्ट विद हिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, ठीक है।